देखिए बात आती है मेटलर्जी की, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, दिमाग में आता है देखती भी कि मेटल है, देखती हमें समझ में आ जाता है ये क्या मेटल है, ये क्या मेटल है, लेकिन आप जानते हो कोई भी मेटल सीधा हमें अर्थ से नहीं मिल रहा है कि लीजिए भाई साहब मैंने यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम के ईंटें निकल रही है या सोने की ईंटें निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बकायदा उस मेटल और सिलिकॉन ऑक्साइड एक दूसरे में इतना मिक्स होती है, या तो मेटल जो होता है वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में या हैलाइड फॉर्म में होता है, या अगर वो नेटिव है, नेटिव का मतलब एटॉमिक फॉर्म है भाई, सोना है, सोना और प्लेटिनम नेटिव मेटल्स में आते हैं जो बुरादे के रूप में, लेकिन इतने बड़े एरिया में फैले हैं कि अब आप समेट लो, मैं कह रहा हूँ जाके ये पहाड़ है इसके अंदर सोना है निकाल लो, आप क्योंकि सोना है, मैं कह रहा हाँ कैसा है भैया, मैंने कहा पूरा 10 मिलीग्राम है निकाल लो, क्या निकाल पाओगे आप 10 मिलीग्राम पूरे पहाड़ में, मिक्स है प्योर गोल्ड है मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो मतलब प्योर गोल्ड का मतलब ना तो उसका ऑक्साइड है ना हेलाइड है ना कार्बोनेट है ना नाइट्रेट है, लेकिन वो फैला हुआ है, अब पूरा पहाड़ निकाल लो, क्या निकाल पाओगे आप, नहीं। तो ऐसे मेटल बहुत परेशानी करते हैं जो नेटिव भी हैं लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो जब उस पूरे पहाड़ में से वो 10-20 मिलीग्राम मेरे को निकालने में इतना पसीना आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं नहीं निकालूंगा। हाँ अगर वो 10-20 किलो होते तो मैं सोचता, तब भी पूरा पहाड़ तोड़ना पड़ता 10 किलो के लिए, सोचो 20 किलो के लिए, तो कितनी मिट्टी मेरे को फिल्टर करनी होती। तो मैं वहाँ पर ये दिमाग लगाता कि यार मैं इतने बड़ा मिट्टी का ढेर में से सोना निकालूंगा, उसके बाद मेरा पैसा कितना लगेगा और निकलने वाले सोने का मूल्य क्या है, कीमत क्या है, अगर इन दोनों में बैलेंस है बराबर है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा फालतू का समय लग गया, लेकिन अगर निकलने वाले सोने की कीमत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जो प्रोसेस में कॉस्ट आ रही है वो कम है, तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है ना, मेरा मार्जिन निकालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है मेटलर्जी, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेटलर्जी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं गया राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वहाँ मैंने देखा कि राजस्थान में जिंक बहुत है, नीचे बहुत बड़ा जिंक का वो है सोर्स। अब क्या है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जिंक निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है, वो जो माइंस है ना उसमें गड्ढा खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं और नीचे तक जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट को लग गया भैया जितना खर्चे में हम नीचे जाके निकाल के लाते हैं उतने में तो हमारा लॉस हो रहा है, हमसे काम नहीं चल रहा, यानी हम 1 करोड़ रुपये का जिंक निकालते हैं, 1 करोड़ रुपया लग जाता है, क्या फ़ायदा आ रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी को, पूरी की पूरी फैक्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अब प्राइवेट सेक्टर आते ही क्या करेगा, दिमाग लगाएगा अलग ही तरह, तो वेदांता ग्रुप को दे दिया। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा हमें नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने कुआं खोदा, अंदर खोदते जा रहे हैं, यानी वो वाला प्रोसेस नहीं कर रहे कि गाड़ी जा रही है, उन्होंने लिफ्ट सिस्टम लगा दिया ऑक्सीजन के साथ, आदमी पूरा नीचे नाना करते हुए भी तुम सोच भी नहीं सकते नीचे 10-20 फ्लोर नीचे चला जाता है, 20-30 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड, जहाँ ना रोशनी है ना ऑक्सीजन है, तो वो सप्लाई उन्होंने चालू कर दी वहाँ से, हर कोई आदमी नहीं जा सकता, ठीक है। तो कुएं में गया और जैसे ही नीचे 20 फ्लोर नीचे चला गया, उसको नीचे क्रेन के द्वारा इधर उधर अंदर पूरा खोद डाला उन्होंने अंदर से, तो कॉस्ट कटिंग अब क्या हो गई, पहले तो ऐसे घूमने जाना पड़ता था बहुत महंगा पड़ता था, अब कुछ भी नहीं है, रेट आधी से आधी हो गई। तो जो काम 1 करोड़ रुपये का था 25 लाख का हो गया, 1 करोड़ का आपका जिंक निकल रहा है, 25 लाख खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, हो गया, लेकिन प्राइवेट है। उन्होंने सोचा यार हम जब मेटलर्जी प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ क्वांटिटी के कम मेटल होता है, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, समझना। तो जब कुछ क्वांटिटी में गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, तो उन्होंने कहा यार जो कॉस्ट है तोड़ने की वो तो लग ही चुकी है, वो तो अपनी जिंक में लग ही चुका है, तो अपन को करना क्या है, बस सिर्फ प्रोसेस के थ्रू इस एल्यूमिनियम और सॉरी ये गोल्ड और सिल्वर को भी निकाल लेते हैं, तो जो आधी से ज़्यादा कॉस्ट तो वैसे ही लगनी थी वो तो हमने बचा ली, तो वो उसके साथ बाई प्रोडक्ट दूसरे मेटल भी निकाल रहे हैं। तो ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, पहले गवर्नमेंट का काम था, आप गवर्नमेंट जानते हो क्या होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में बहुत अंतर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो उन्होंने सिल्वर भी निकालना शुरू कर दिया, गोल्ड भी निकालना शुरू कर दिया, और जिंक तो वो निकालते ही थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास होने लग गई, तो उनका क्या हो गया, वो जो कंपनी लॉस में जा रही थी वो प्रॉफिट में आने लग गई, ठीक है।
आपने मित्तल का नाम तो सुना होगा, जो कि काफी बड़ा काम करता है किसके लिए, स्टील के लिए। क्या करता है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी बड़ी माइंस, कंपनियों का मतलब यहाँ माइंस ही होता है मेटलर्जी में, लॉस में चल रही होती है। कैसे लॉस में चल रही होती है भाई, उन्होंने बहुत सारा करोड़ों रुपए का तो इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। अब इंस्ट्रूमेंट लगा के वो स्टील निकाल रहे हैं और पता चल रहा है 1 करोड़ रुपए की स्टील निकल रही है और 1 करोड़ में बेच पा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं मजा आ रहा, लॉस में ही आएगी, आपका समय तो खराब ही हो रहा है। तो मित्तल ग्रुप ने वो स्टील की माइंस खरीद ली, कह दिया आप हमारे को दे दो, हम प्रॉफिट में ले आएंगे। तो वो जैसे ही माइंस उनके पास आई, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से स्टील निकालना शुरू किया। पहले क्या होता था, जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें से 10 करोड़ की स्टील निकल सकती थी, 1-2 करोड़ रुपए की स्टील वापस खराब में हो जाती थी। खराब मतलब निकाल ही नहीं पाते थे, उनकी केमिस्ट्री बोल दो या उनकी टेक्नोलॉजी बोल दो इतनी बेकार थी कि वो 12 करोड़ रुपए की स्टील में से सिर्फ 10 करोड़ ही निकाल पाते थे। इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी, इन्होंने कहा 12 करोड़ में हम 11 करोड़ 50 लाख रुपए की स्टील निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस में 10% तो वैसे ही बेनिफिट हो गया, और 10% वैसे ही बेनिफिट हुआ तो वही तो मार्जिन होता है इनका। समझ में आ रहा है? तो कई बार इस फैक्टर का भी होता है कि जो मेटल आपने आपका बह गया, खराब हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, वो भी यूज हो गया, उसके अलावा जो सब दूसरे मेटल है वो भी निकल गए, तो आप उससे बेनिफिट कमा लेते हो। तो कंपनी फटाफट, स्टील की जो किंग है वो किंग अपने आप में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर करके बेनिफिट लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। अब बताओ उसका कोई मुकाबला कर पाएगा क्या? नहीं ना। जिस दिन कोई कॉम्पिटिटर आएगा वो स्टील की प्रॉपर्टी 10% कम कर देगा, क्योंकि उसका तो मार्जिन वैसे ही ज्यादा है, तो दूसरा वाला तो प्लेयर खत्म ही, पूरा साफ। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा है। आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, मेटलर्जी एक तरह से केवल एक छोटा सा साइंस नहीं है, मेटलर्जी अपने आप में एक पूरा बिजनेस साइंस है। यानी आपको अपनी कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम रख के भी आपको बेनिफिट हो, यह है मेटलर्जी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब मार्केट प्राइस से कम रख के अगर आप बेनिफिट कमा सकते हो तो आप सर्वाइव कर जाओगे, तो नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब जब भी कोई प्लांट किसी जगह डलता है तो वो कुछ चीजें देखता है। पहला कि जिस एरिया में वो जा रहा है वहाँ मेटल कितना है। एक तो मेटल इतना ऐसा रह गया भैया 2 साल में ही खत्म हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा और 2 साल का मेटल निकल रहा है, क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि कोई भी फैक्ट्री डालने के बाद वो 10-12 साल बाद तो प्रॉफिट में आती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो वहाँ पर मेटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मेटल निकाल लिया आपने, बहुत सारा मेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट वहाँ पर ये रहता है कि उस मेटल के साथ, उस मेटल में से मेटल, ऑब्वियसली ज़्यादातर मेटल प्योर तो होते नहीं है, वो क्या रहेंगे, हैलाइड होंगे, ऑक्साइड होंगे, नाइट्रेट होंगे, सल्फेट होंगे। तो अगर वो मेटल जिस फॉर्म में है उससे मेटल निकालना सस्ता पड़ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर बेकार हो गया। तो एक तो अमाउंट, और दूसरा वो किस सॉल्ट के साथ है, किस एनायन के साथ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ मेटल एनायन तो इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि उनमें से निकालना ही मेटल को बहुत बुरा हो जाता है। तीसरा कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या आ रही है। भाई आज मैंने कह दिया ये लो भैया राजस्थान में ये एक शहर है यहाँ पर ये मेटल निकल रहा है, तो क्या वहाँ से आसपास जहाँ ले जाया जा सकता है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है प्रॉपर, उस कॉस्ट को भी काउंट करना पड़ता है। तो हमारे लिए सारी कॉस्ट अकाउंट कर लो, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, वहाँ लेबर कैसी सस्ती है या नहीं है। जैसे चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है ना, उसके केस उसके कंपेयर में इंडिया में लेबर क्या है, थोड़ी महंगी है, तो हमारी कॉस्ट तो थोड़ी वैसे ही बढ़ जाएगी। अमेरिका में और महंगी है, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो तो सारा काम ही मशीन से करने लग गए, लो लेबर की जरूरत नहीं है, एक मशीन ही 10-10, 20-20 जनों की लेबर का काम कर देती है, क्रेन हुई, ये हुआ, करो, तो उनको लेबर की जरूरत नहीं है। तो या तो टेक्नोलॉजी हो या लेबर सस्ती हो। तो ये सारे फैक्टर निकालने के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होते हो। और एक बात और है, मेटल कभी भी लोकल मार्केट में नहीं बिकता, इंटरनेशनल प्राइस में, इंटरनेशनल मार्केट में ही बिकता है। लोकल में ये थोड़ी ना कि आप जैसे सब्जी वाले की दुकान लेके सोना ले लो, सोना ऐसे तो चक्कर नहीं कटाओगे, वो बकायदा इंटरनेशनल मार्केट में टनों में जाता है और फिर वहां बिकता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं।
तो अब मैं इस मेटलर्जी में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में ले जाऊँगा, मैं कहीं नहीं ले जा रहा, मैं तो आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊँगा जो हमारे एनसीईआरटी में है कि भैया ये है कुछ मेटल कंपाउंड्स के बारे में बताऊँगा। हाँ भाई ये मेटल कंपाउंड है, इनको मैं मिनरल बोलूँ या ना बोलूँ, मिनरल बोलूँ या और बोलूँ, तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं कि क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है मिनरल और ओर में, वो आपको बताऊंगा। उनके कॉमन नेम के लिस्ट में आपको बताऊंगा कि भैया इसको ये बोलते हैं, ये है। प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या प्रोसेस है, और आपको फिर बताऊंगा लास्ट में जाकर कि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इनमें से आधे से ज़्यादा आउटडेटेड हैं, यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, और नए प्रोसेस हमारे सिलेबस में डाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमें इन्हीं को पढ़ना है क्योंकि इन्हीं से नंबर आएंगे, ये बात की बात है, ठीक है ना, लेकिन जिससे नंबर मिल जाएंगे हमें वही पढ़ना है, कोई दिक्कत? तो शुरुआत करें अपन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मेटलर्जी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। लिखिए होल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, लिखिए द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल कंपाउंड टू प्योर मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी ठीक है। ये मेरे पास है मेटल कंपाउंड, इस मेटल कंपाउंड को ले जाके मैं प्लांट्स में ले गया जहां मेरे पास मिनरल मिल गया, पूरा मेटल मिल गया, प्योर मेटल। तो यहां से यहां के सारे प्रोसेस, ऑल प्रोसेस मेरे लिए क्या कहलाएंगे? मेटलर्जी। यानी आप मान के चलें कि ये पूरा प्लांट इस तरह से डिजाइन होता है कि वहां पर कौन सा मेटल है, हर मेटल के लिए सेम प्लांट नहीं चलता, ये दिमाग में बिठा के चलना। नेक्स्ट पॉइंट भाई, हमारे पास मेटल कंपाउंड है, ठीक है, तो जितने भी मेटल कंपाउंड है उन सबको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स। कैसे भैया? माइंस में मिलने वाले क्या होते हैं? मिनरल। तो मिनरल की डेफिनेशन क्या होगी? लिखिए लिखें लिखिए ऑल मेटल कंपाउंड्स जनरेट बाय ऑल मेटल कंपाउंड जनरेट बाय या गेटिंग बाय माइंस इज कॉल्ड मिनरल ऑल मेटल कंपाउंड कॉल्ड मिनरल। लेकिन आप ही बताओ, कुछ मेटल कंपाउंड में से एनायन को निकालना मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि फेंको इसको, तो ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आधे से ज्यादा तो मिनरल बेकार हो गए, कुछ ही मिनरल ऐसे हैं जिनसे मेटल निकाला जा सकता है, और जिनसे निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? और। तो लिखिए मिनरल
mineral by which we can extract the metal at low cost. We can extract metal at low cost. Is called ore. तो इसका मतलब हमारे लिए क्या की पॉइंट बनेगा? की पॉइंट ये रहेगा, all ore are mineral. But all mineral are not ore. ये हमारा की पॉइंट बन गया. तो हमारे दिमाग में एक चीज आ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा यहां पर मिनरल्स या और भी है. तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो जो माइनिंग इंजीनियर्स हैं वो तो कलर देख के पता लगा देते हैं, भैया हाँ यहाँ पर आयरन मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पर ये रेड कलर है, हाँ ठीक है यहाँ आयरन ज़्यादा होगा रेड स्टोन के अंदर. होते तो वो भी स्टोन के अंदर ही है, या तो सिलिकेट्स के अंदर होंगे, मिट्टी के अंदर होंगे या होंगे. फिर या कलर देख लेते हैं, अच्छा ग्रे कलर है, अच्छा तो यहाँ एल्यूमिनियम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो कलर भी बता देता है काफ़ी हद तक. अच्छा ये ग्रीन कलर का स्टोन है, इसमें ये हो सकते हैं, ये कार्बोनेट है, इसमें ये वाला मेटल मिल सकता है. यहाँ पर यार अलग ही स्टोन की फील आ रही है, यहाँ जिंक ज़्यादा हो सकता है, कभी कहाँ कभी क्या, कलर देख के तो सबसे पहले होता है. फिर उसके बाद उस सैंपल को लिया जाता है, उस सैंपल के बाद वहाँ पर परसेंटेज निकाली जाती है कि हाँ इतना मेटल निकल रहा है. फिर 10 जगह सैंपल लेते हैं उसके आसपास के, नीचे डेप्थ तक जाते हैं, ठीक है ना, और डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कितनी डेप्थ तक हमारे को मेटल मिल जाएगा. फिर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, हाँ यहाँ पर इतना मेटल मिल जाएगा, फिर जाके प्लांट डालते हैं वहाँ पर, ठीक है. और अगर कम है तो फिर ये देखते हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट की, जब से नियर प्लांट कौन सा है वहाँ ले जाते हैं मिनरल को, और वहाँ से कॉस्ट कटिंग क्या होती है देखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में यूरेनियम भी निकलता है सैंड पार्टिकल्स में, और थोरियम तो बहुत अच्छी क्वान्टिटी में. तो क्या तुमने देखा राजस्थान में कोई थोरियम प्लांट है निकालने का, यूरेनियम प्लांट है? नहीं है, है ही नहीं. कॉस्ट इतनी है, इनको निकाल ही नहीं सकते, टेक्नोलॉजी बहुत हाई चाहिए. इतना सा होता है बड़े से ढेर के अंदर, निकाल ही नहीं पाओगे आप, एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, बस है ये मालूम है लेकिन निकालेगा कौन, कुछ भी नहीं. तो हम क्या करते हैं, वो स्टोन वो सैंड पार्टिकल जिसमें अच्छी कंसंट्रेशन होती है उसको ट्रक में लोड करते हैं, ट्रक से शिप में लोड करते हैं, अमेरिका ले जाते हैं, वो निकालें उतना प्लांट, और फिर वो निकल के हमारे पास आता है. तो यानी हमारे पास वो वैसा प्लांट डालने की टेक्नोलॉजी उतनी कॉस्ट ही नहीं है हमारे पास, हमें उतना पैसा ही नहीं है कि हम इतना बड़ा प्लांट डाल सकें. आ रही है बात समझ में? तो कुछ जगह ये भी चीज देखी जाती है कि अपन क्या काम करें, ठीक है, तो ऐसे काम चलता है. लेकिन आप मान के चलो वो इतना महंगा होता होगा तभी तो वो वहां जाके आ रहा है, तब भी कॉस्ट कम पड़ रही है, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास है जो हमारे दिमाग में आ रहा है. तो की पॉइंट हमारे पास हो गया, अब आगे कुछ और को पढ़ना पड़ेगा, हमारे को और ही पढ़ना है. तो कौन से और कॉमन है उनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे. तो लिखना शुरू करते हैं, लिखिए, ध्यान से सुनिए. और की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी, और क्या है जो मिनरल से आसानी से सस्ते भाव में मेटल मिल जाए वो और है. सबसे पहले आता है नेटी ओर. लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट कॉल्ड नेटिव ओर. तो ये फ्री स्टेट की फीलिंग आती है, पता है मेरे दिमाग में क्या होता है कि भैया यहाँ गड्ढा खोदो यहाँ सोने की ईंटें निकलेगी. ऐसा नहीं है, सोने की ईंट नहीं होती, सोने का बुरादा होता है, और वो बुरादा जो होता है ना वो भी बहुत फैला हुआ होता है बहुत बड़े एरिया में. यानी आप मान के चलो कुछ किलो सोना, यानी एक किलो सोना नाना करते हुए भी उसके लिए आपको एक ट्रक मिट्टी पूरी खोदनी पड़ेगी. एक ट्रक मिट्टी में, यानी कि जिसमें टनों में माल है, उसमें से एक किलो निकालना बहुत मुश्किल टास्क है. लेकिन अगर आपकी कॉस्ट सही पड़ जाती है, निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक है. लेकिन सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ऐसे हैं जो
नेटिव में भी मिलते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं. नेटिव का मतलब हो गया फ्री स्टेट, मेटल का मतलब मेटल, केवल मेटल है, गोल्ड का मतलब प्योर गोल्ड, बस वो बुरादे के फॉर्म में फैला हुआ है. लेकिन कंपाउंड फॉर्म का मतलब हो गया उसके साथ एनायन अटैच्ड है, और फ्री स्टेट का मतलब उसके साथ कोई भी एनायन अटैच नहीं है. मैंने एक डाटा कलेक्ट किया एल्यूमिनियम अर्थ में 8.3, आयरन 5.1, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1. ये वो मेटल है जो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में है. फर्स्ट सिंथेटिक मेटल टेक्नीशियम है, यानी आदमियों ने बनाया है, लैब में ही बना होगा, ठीक है ना. तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी? अरे ये हमने बनाया तो है ही कहाँ, जीरो है, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट पे तो है ही नहीं. रेयर अर्थ मेटल जितने भी ऐप लोग हैं वो सब रेयर है, मिलते ही नहीं है, हम ही बना रहे हैं उनको. आधे से ज़्यादा एलिमेंट तो लैब में ही डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है. सल्फाइड ओर की बात करते हैं, पीबीएस गैलेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही है. पीबीएस, एचजीएस सिनेबार है ना, कैल्कोपायराइट CuFeS2 ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्कोसाइड ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसाइड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट ही है लगभग लगभग. ऑक्साइड ओर बॉक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड Al2O3.2H2. हेमेटाइट Fe2O3. मैग्नेटाइट, देखो ध्यान से सुनना, हेमा हेमा याद रह जाएगा, हेमा मान लीजिए एच में आयरन कम है और हेमा बाद में आ रहा है, आयरन बढ़ेंगे, पहले दो है और फिर कितने होंगे, तीन, यानी एक Fe2O3 है, एक Fe3O4 है. MnO2 पायरोलूसाइट बहुत कॉमन नाम याद रह जाएगा, और ये क्रोमाइट, तो क्रोमाइट FeCr2O3. एक्चुअल में ये दो मेटल का मिक्सचर होता है. आपको लग रहा होगा ये FeCr2O3 क्या है, ये डबल सॉल्ट की तरह काम करता है, यानी FeO अलग है और Cr2O3 अलग है, ऐसे समझो. FeO प्लस Cr2O3 का मिक्सचर हो गया, इक्विमोलर, एक मोल ये एक मोल ये, तो इसलिए टोटल मिला के ये लिख दिया. Cu2O क्यूप्राइट, TiO2 रुलाइट, FeTiO3 एलमेनाइट, और SnO2 कैसी टेराइट. इनके नाम थोड़े टिपिकल हैं कुछ, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रखोगे और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए तो आपको याद आ ही जाना चाहिए. लिखे हैं इसको, देखिए कुछ और कंटेनिंग ऑक्सीएनायंस. ऑक्सी में कौन आएंगे, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, यही हमारे, या बाइकार्बोनेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2, इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट .7H2, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3. चिली को मैं चाइना से याद रख लेता हूँ, इंडियन को इंडिया से याद कर लेता हूँ. कौन भारी है, इंडियन, तो भारी वाला एलिमेंट कौन है, सोडियम और पोटेशियम में, पोटेशियम, तो इंडियन सॉल्ट पीटर में पोटेशियम आएगा और चिली सॉल्ट पीटर में चाइनस है ना. और कैलेमाइन ZnCO3, अर्जेंसाइट PbSO4, मेलेसाइट कॉपर कार्बोनेट और CuOH2, हैलाइट क्रायोलाइट Na3AlF6, कार्नेलाइट KClMgCl2.6H2O, और फ्लोर स्पार CF2. ये सारे और हमारे लिए ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लिखें इसको. देखो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी हम बात करते हैं, तो मैंने मेटलर्जी को तीन मोटे मोटे भागों में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पायरोमेटलर्जी, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ मेटलर्जी वी यूज हाई टेम्परेचर, यानी मेटलर्जी अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो हम पायरो का मतलब ही होता है हीटिंग. तो पायरोमेटलर्जी की डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, इन दिस मेटलर्जी, लिखे मेरे साथ, इन दिस टाइप ऑफ मेटलर्जी very high temperature, very high temperature is required in furnace. obviously furnace की जरूरत तो पड़ेगी. किसके लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल यूज फॉर आयरन कॉपर एक्सेस्ट्रा, बहुत सारों के लिए यूज होता है. पायरोमेटलर्जी ओपन ब्लास्ट फर्नेस, आप आगे पढ़ोगे मेरे से, ऑफ
प्रोसेस फॉर यूज फॉर आयरन, तो वहां पर हम इसके लिए यूज करेंगे और वो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, पायरोमेटलर्जी। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके लिए मैं पायरोमेटलर्जी यूज नहीं करना पसंद करूंगा। क्यों भाई? सपोज मेटल ही बहुत महंगा है, पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, मेटल का लॉस बहुत हो जाता है, बहुत सारा मेटल बाहर वैसे ही चला जाता है सैंड पार्टिकल के साथ, तो यहां मेरे लिए दिक्कत है। तो ऐसे मेटल जो बहुत महंगे जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनके लिए मेरे को अलग ही तरह के मेटलर्जी, यानी इनके ऐसे कंपाउंड बनाऊंगा जो पानी में डिजोल्व हो, उस पानी को डिजोल्व करके अलग ले जाऊं, पानी को सूखने दूं और उसमें से मेटल कंपाउंड में से फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दूं, तो मिट्टी ऑलमोस्ट निकल ही गई पानी में डिजोल्व करके, तो ये वाली कहलाती है हाइड्रोमेटलर्जी। तो द मेटल, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मेटलर्जी प्रोसेस, मेटलर्जी प्रोसेस अकर इन एक्वा सॉल्यूशंस इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। मेटलर्जी यूज फॉर गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, बस इतना लिख सकते हो। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भाई सिंपल सा है, कुछ मेटल इतने ज्यादा नालायक होते हैं कि एक बार अगर एनायन से चिपक गए तो चिपक गए, उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल है, आप उसको अलग ही नहीं कर सकते, ना तो वो गर्म करके अलग हो रहे हैं ना पानी में डिजोल्व होकर अलग हो रहे हैं, क्या करोगे अब आप उसको, इलेक्ट्रोलाइज करोगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट मेटलर्जी का मतलब ही है द मेटलर्जी प्रोसेस इज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज, लिखिए इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर सेपरेट द मेटल फ्रॉम इट्स ऑर की जगह कंपाउंड भी लिख सकते हो। तो एक तरह से हमारे लिए जो मेटल है वो हम कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा निकालते हैं, वो हमारे लिए हो गया। इट इज यूज फॉर हाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, लिख लीजिए। हम बात करते हैं शुरू से एक बार फ्लो चार्ट की, ये हमारे पास ओर है और ये हमारे पास प्योर मेटल है। कैसे आया, हमारे पास जो भी ओर है उसमें मिट्टी है बहुत सारी, ट्रकों में लोड हुई, तो मेटल कंपाउंड से मेटल में लाना पूरा प्रोसेस है, लेकिन मेटल के साथ अभी क्या है, मेटल कंपाउंड है, यहां पर क्या है, मेटल कंपाउंड है प्लस बहुत सारी इंप्यूरिटीज है, तो इस इंप्यूरिटी को हटाना है मेन, तो लगभग ये 1% है और ये आपके पास कितना है 99%, इतना फर्क पड़ सकता है। तो अब आप सोचो आपको ये वाला पार्ट हटाना है, तो आप केमिकल प्रोसेस की जगह आप क्या करोगे, शुरुआत में नॉर्मल प्रोसेस करने की कोशिश करोगे, मिट्टी निकले, तो वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यहां पर आपका ये 1% रह जाएगा सिर्फ। तो मैक्सिमम मिट्टी कैसे हटेगी, लेविगेशन, यानी कि बहुत तेज पानी से धोना, पानी एकदम से आएगा तो मिट्टी बहुत सारी हल्की जो मिट्टी होगी वो तो क्या हो जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी, ठीक है, और क्या रह जाएगा, सिर्फ मेटल जो हेवी पार्टिकल है वो रह जाएगा। अगर ये वहां यूज हो सकता है जहां मेटल हेवी है, जो पानी में फ्लो ना करे इजीली, वहां ये यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी अगर आपका और मैग्नेटिक नेचर रखता है, मैग्नेट से चिपकता है, तो हम ये वाला कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशंस, यानी भाई झाग बनाओ, झाग के साथ वो अटैच हो जाए साबुन के झाग की तरह, तो उसको बोलेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन। जनरली ये यूज होता है सल्फाइड के लिए, जितने भी सल्फाइड है ना उनको भगवान ने ताकत दे रखी है, जाओ जो भी फ्रॉथ बने यानी झाग जो बने साबुन की उसके साथ आप चिपक जाओगे तो ठीक है। और फिर आता है लीचिंग, लीचिंग
अपने आप में ऐसा प्रोसेस है जैसे कोई मेटल है बहुत महंगा है, तो अब हम उसकी क्या करते हैं पानी के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं और उस पानी को अलग करके उसे सुखाकर या गर्म करके पानी को अलग कर दिया और वापस मेटल कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये जनरली सोने चांदी के लिए यूज होता है, गोल्ड सिल्वर के लिए महंगे के लिए, क्योंकि अब आता है आपके पास मेटल कंपाउंड मिल गया, यानी वो 1% रह गया, बाकी का एक ट्रक मिट्टी में से एक किलो अलग हो गया, बाकी सब चला गया, यही समझ के चलो 1-2 किलो रह गया बाकी सब चला गया। तो मेटल कंपाउंड में से, मेटल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम या तो यूज करेंगे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, ये दोनों ही प्रोसेस दो काम करते हैं, एक तो कोई भी कार्बोनेट या सल्फेट या नाइट्रेट उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, और दूसरा जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है उसे अलग कर देना। तो अब हमारा मेटल ऑक्साइड आ गया, मेटल ऑक्साइड से फिर हम मेटल में लाएंगे इस प्रोसेस पे, यानी यहां हम लिख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड इज इजी देन एनी अदर कंपाउंड, ये आप नोट लिख सकते हैं यहां पर। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, भाई देख लेना कि मेटल अगर महंगा हो, एल्यूमिनियम से तो महंगा हो क्योंकि एल्यूमिनियम की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो चलेगा, तो ये यूज कब होगा, एक मेटल महंगा और दूसरा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो, ठीक है। फिर आता है कार्बन रिडक्शन, कार्बन के साथ रिड्यूस होता है और मेटल सस्ता हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये तो एल्यूमिनियम के लिए खास तौर पे बना है या सोडियम पोटेशियम के लिए भी बना है, जिसको कोई नहीं निकाल सकता, उसको करंट के झटके तो निकाल ही देंगे, अलग कर ही देंगे। ऑटो रिडक्शन, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं अपने ही मेटल के साथ, समझना, कुछ इस तरह की रिएक्शन देते हैं कि जैसे मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, SO2 निकल जाएगी, दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब दो शादीशुदा आदमी है बेचारे एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। मेटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्वस मीडियम, ये उसके लिए यूज होगा जो बहुत महंगा मेटल है, मेटल आया, एक मेटल आया और उसमें से दूसरा मेटल निकल गया कंपाउंड में से, तो निकलते ही वो क्या हो गया, फ्री हो गया वो, तो एक्सट्रैक्शन इसी को बोलते हैं। यानी एक मेटल को प्राप्त करने के लिए दूसरे मेटल की आपको क्या करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। दूसरा, मेटल आ चुका है, अब आप प्योर मेटल लाना चाहते हैं, लिक्विडेशन, यानी इतना गर्म कर दो कि अलग अलग मेटल का फ्लो नेचर अलग अलग होता है, तो वो लिक्विडेशन में, जिस मेटल का ज़्यादा लिक्विड नेचर होगा फ्लो करने का वो अलग हो जाएगा और जिसका कम होगा वो अलग हो जाएगा, सेपरेशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, आपने देखा होगा जैसे ये यूज किया जाएगा सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, इधर से मेटल निकल रहा होगा और कैथोड पे जाके इकट्ठा हो रहा होगा, यानी एनोड पे तो रखेंगे हम इम्प्योर मेटल, धीरे धीरे वो सारा प्योर कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पर, तो एनोड पे इम्प्योर और कैथोड प्योर। जॉन रिफाइनिंग हम पढ़ेंगे आगे, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर में चेंज करके फिर रिफाइन करना। बैसमाइजेशन देखते हैं क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्रोमेटोग्राफी भी एक होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 या 10 में, पेपर क्रोमेटोग्राफी टाइप वैसा ही है हमारे, तो और बाद में हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल, उसके बाद भी रिफाइनिंग कर सकते हैं, उसको बोलेंगे अल्ट्रा रिफाइनिंग, फिर उसके बाद तो हमें 99.99% प्योर मेटल मिल जाएगा। लिखें इसको जल्दी।